व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी मिशन आई यू ट्रेवल। सो आज के देखते हैं लेक्चर और द हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे हम लोग आज का आर्टिकल और क्या कुछ नया आर्टिकल है आज के देखते हैं। और देखिए आप लोग ने न्यूज़ जाना होगा जो कि नया पार्लियामेंट बनाने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्यों, तो नया पार्लियामेंट नया संसद बनाने की भारत में ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि पॉइंटिंग द फिंगर एट द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ए द डिमांड फॉर रिप्लेस ऑफ लॉ पासड बाई पार्लियामेंट ओनली सो ए सीरियस लैप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव। आइए देखते हैं, अगर हम बात करें थोड़ा सा हिस्ट्री से लेकर चलेंगे, तो मैंने एक और लेक्चर में पिछले लेक्चर में बताया था कि पार्लियामेंट जो था यह, अगर बैकग्राउंड अगर चल रहे हैं हम लोग, तो पार्लियामेंट जो था यह बनाया गया था, दो लोग थे, दो आर्टिकेचर थे जो कि ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश के आर्टिकेचर के द्वारा बनाया गया था ये, जो कि 1912 से यानी कि 1912 से 1930 तक, 1912 से 1913 के बीच में ये स्टार्ट किया गया था। जबकि इसका जो कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 1911 में। क्या हुआ था कि बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो 1911 में हमारे एक राजा थे, किंग थे, जिनका नाम था किंग था जीरोग भी इनका नाम था, जो कि ये किंग थे। और ये हमारा, आप लोग जान रहे हो कि पहले कोलकाता था, हमारा जो कैपिटल था ये कोलकाता था दिल्ली ना होकर, तो कैपिटल कोलकाता से दिल्ली लाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ये किंग भी जो हैं ये यहाँ पे बात किए थे 1911 में, ठीक है, 1911 में ये बात किए थे। उसके बाद बताया गया कि कैपिटल को, हमारा जो कैपिटल है यह दिल्ली होगा, तो दिल्ली होगा जब कैपिटल, तो दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो जब पार्लियामेंट की दिल्ली में ज़रूरत पड़ी तो तब जाकर 1921 में, जी हाँ 1921 में पार्लियामेंट बनाने की जरूरत पड़ी। 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, और उसके बाद ये चला 1927 तक कंस्ट्रक्शन चला और ये बनकर तैयार हुआ हमारा पार्लियामेंट जो संसद है अभी आप लोग फिलहाल देख रहे हैं। बट अभी नया बनाने की जरूरत पड़ रही है, और नया किस लिए बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 50 वर्ष हो गया है, 50 वर्ष हो गया लगभग सीट को बढ़ाए हुए। हमारा जो MP होते हैं, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के जो होते हैं MP, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए बात की जा रही है। क्योंकि अभी आप लोग जान रहे हैं कि 545 सीट है, जिसमें से 543 MP हैं हमारे, और लोकसभा में 250 करीब, यानी कि 245 लोकसभा में है, और राज्यसभा की बात करें तो 545 है, और इसी को बढ़ाने की बात की जा रही है कि 888 यानी कि 888 जो MP होंगे ये लगभग अब बनकर यहाँ पे तैयार होंगे, तो इनके लिए सीट यहाँ पे कम पड़ रही है, और उसी सीट को भरने के लिए, रिकवर करने के लिए यहाँ पर नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत पड़ रही है। और ये पार्लियामेंट जो होगा ये त्रिभुज आकार का होगा, यानी कि तीन तरह का आकार होगा। आप लोग देख रहे होंगे जो पार्लियामेंट है दिल्ली में, यह गोलाकार आकार का है, गोलाकार आकार का है, लेकिन अब त्रिभुज आकार के आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए पार्टिकुलर वीडियो एक बनाकर लाऊंगा आपको, शायद हो सके तो कल प्रोवाइड की जाए उसको, तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे उसका इमेज, तो आप लोग देखना मिलेगा कि वह एक ट्रेंगल शेप का आपको आकार देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही टेक्नोलॉजी के ये साथ चलेगा, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा, मतलब कि टेक्नोलॉजी के ज़्यादा उपयोग इसमें आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप अंडरग्राउंड इसको देखेंगे, अंडरग्राउंड जा सकते हैं, किसी भी ऑफिस में जाना है आपको, अगर आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे पार्लियामेंट के, तो आप अंडरग्राउंड एक पर्टिकुलर ऑफिस में जा सकते हैं, और वहाँ पर सिक्योरिटी आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगी। अगर बात करें इसमें कुछ, इसका नाम दिया गया था सेंट्रल विस्टा, ठीक है, सेंट्रल विस्टा इसका नाम दिया गया है, जो कि नया पार्लियामेंट जो बनकर तैयार है, तो इसका सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया था। और ये 10 दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर को अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका उद्घाटन किया था, और ये अभी इस पर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर ये इंडिया का ही है, पहले वाले में आर्किटेक्चर ब्रिटिश वाले थे, लेकिन इस बार का आर्किटेक्चर ये इंडिया का ही है, और लोकल पावर वोकल को लेकर, हमारे आत्मनिर्भर भारत को लेकर यहाँ पे इसको फोकस करते हुए बनाया जा रहा है, इंडिया के आर्किटेक्चर के लेकर, और टाटा कंपनी का नमक आप लोग खाए होंगे,
टाटा कंपनी पहले नमक बनाती थी और टाटा कंपनी हमारे देश में पार्लियामेंट बना रही है, तो टाटा कंपनी को लेकर चला गया है और टाटा कंपनी हमारे देश में अभी पार्लियामेंट जो बना रही है ये टाटा कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। क्योंकि हम लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं, अपने देश में अपने देश का नमक खाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोकल फॉर वोकल का यहाँ फोकस किया जा रहा है और हमें टाटा कंपनी ही हमारा यहाँ पे बनाने की प्रयास कर रही है और बना भी रही है। तो आप लोग यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि 1971 में जो सेंसस हुआ था, 1971 का सेंसस के हिसाब से यहाँ पे ये लोकसभा और राज्यसभा का जो सीट था ये बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद इसके बाद उसके पास कैपेसिटी नहीं रह गई है। उस जो संसद है पहला वाला जो पार्लियामेंट है उसके पास कैपेसिटी नहीं है लोगों को बैठा सके और सीट को डेवलप कर सके, इसलिए यहाँ पे सीट आपको बेहद तरीके से टेक्नोलॉजी रूप से देख मिलेगा और यहाँ पे सीट बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये था हमारा कुछ नया बिल्डिंग में बदलाव जो कि इसको डिस्कस करना था। लेकिन अगर आपको चाहिए इसके लिए पार्टिकुलर वीडियो, देखिए ये इमेज आप देख रहे होंगे, ये इमेज आपका ये पहले वाले संसद का इमेज है, पहले वाले पार्लियामेंट का इमेज है जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये गोलाकार आकार में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोग अगर जूम करें इसको तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये जो इमेज है ये आपका पार्टिकुलर ये आपका पार्लियामेंट का ही है, लेकिन ये ओल्ड पार्लियामेंट का भी है। ये जो ओल्ड पार्लियामेंट यानी कि जो एग्जिस्टिंग है अभी, ये पार्लियामेंट गोलाकार आकार में था जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था ये, लेकिन अब जो पार्लियामेंट आपको दिखेगा देखने को मिलेगा वो आपको त्रिभुज आकार में यानी कि ट्रायंगल शेप आकार में मिलेगा। तो ये चीज़ें आपकी खासियत होगी इस पार्लियामेंट में और इस पार्लियामेंट में आपको सीट बढ़ते हुए दिखाई देगी और ये टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा, टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी जुड़ा रहेगा जिससे कि आपको आसानी से कहीं भी आप अब देखिए इसमें कॉन्फ्रेंसिंग का जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था होगी, आपको टेक्निकल रूप से आप ऑनलाइन आ सकते हैं इसमें, ये सारी सुविधा आपको MP को दिया जाएगा और सारी सुविधा आपको हर एक मुख्यमंत्री के पास यहाँ पे दिया जाएगा जिससे कि आप अपना ऑनलाइन भी ऑफिस में आप कार्य कर सकते हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसमें। तो देखिए आप और वीडियो एक लेकर आऊँगा जिसको पार्टिकुलरली वीडियो आपका होगा इसमें कि हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट में और जो न्यू पार्लियामेंट में उसमें डिफरेंट क्या है, उसमें वर्सेस में वीडियो आएगा। ठीक है तो उसको इंतजार करिए, वो वीडियो आने वाली है और अपलोड होगी और आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। थैंक यू बलोचनी एंड देखिए आप गाइस आप हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप जाइए और ज्वाइन हो जाइए। सो प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।